बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री फॉर फर्स्ट ईयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 9, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एंगल इन एलिमेंट्री ज्योमेट्री। इन एलिमेंट्री ज्योमेट्री एन एंगल इज डिफाइंड एज यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद ए कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस, एक ये लाइन है और ये लाइन, ये नॉन कोलिनियर है जी, ठीक है। ये दो लाइन है नॉन कोलिनियर सी, ये इस इनिशियल लाइन साइड है और ये टर्मिनल साइड है। ये दोनों ओ पॉइंट पे मीट करते हैं। ये वाला जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज अल्फा है। वन ऑफ द रे ऑफ द एंगल इज कॉल्ड इनिशियल साइड, एक को इनिशियल साइड बोलेंगे एंड द अदर एज टर्मिनल साइड। एन एंगल इज सेट टू बी पॉजिटिव इफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मेयर करेंगे तो एंगल पॉजिटिव होगा जी भाई। एन एंगल इज सेट टू बी पॉजिटिव, एंगल पॉजिटिव उसको कहते होगा इफ द रोटेशन या मेयरमेंट इज एंटी क्लॉकवाइज। एंड एंगल इज सेट टू बी नेगेटिव इफ द रोटेशन इज क्लॉकवाइज। अगर हम इसको क्लॉकवाइज मेयर करेंगे तो एंगल नेगेटिव होगा। एंगल्स आर यूजली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स सच एज अल्फा, बीटा, गामा, थीटा एटसेट्रा। भाई एंगल्स आर यूजली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स सच एज अल्फा, बीटा, गामा, थीटा एटसेट्रा। भाई ये दो लाइंस हैं, एक इनिशियल साइड है एक फाइनल साइड। इनके दरमियान जो गैप होगा ना, या इनके अंदर जो ये जो स्पेस है, ये एंगल को रिप्रेजेंट करती है। एन एंगल इज डिफाइंड एज यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद ए कॉमन एंड पॉइंट। जिनका एक पॉइंट एंड कॉमन होगा इज कॉल्ड एंगल। An angle is defined as union of two non-coli with a common endpoint. The degree measure if the circumference of a circle is divided into 360 equal parts. By if the circumference of a circle is divided into 360 equal length, equal in length, yes, congruent parts. 360 equal parts means of convert करें the angle subtended by one part at the center of the circle is called एट डिग्री। बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। भैया हमारे पास एक सर्कल है, हमने इसकी बाउंड्री को 360 हिस्सों में तकसीम किया। कितने हिस्सों में? 360। भाई दो पॉइंट्स जब सेंटर के साथ मिलाते हैं ना, ये जो गैप होता ना, इसको बोलते हैं डिग्री जी। इसको भैया बोलते हैं डिग्री जी। भाई ये जो दो पॉइंट्स के दरमियान गैप होगा, इसको बोलेंगे 1 डिग्री। भाई 360 ये हमने वाजिया करने के लिए शो किया है, वरना ये लाइनें बिल्कुल पास पास है। ये आपने मैट्रिक में या मैट्रिक से पहले वो एक प्रोटेक्टर डी होता है, उसके ऊपर वो हाफ होता है, तो उसमें 180 जो है ना वो उसमें कट लगे होते हैं। तो आपने इसको 360 हिस्सों में तकसीम करना, 360 हिस्सों में। तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो गैप होगा उसको बोलेंगे 1 डिग्री। भजन 60th पार्ट ऑफ ए डिग्री इज कॉल्ड ए मिनट। भाई एक डिग्री है, उसके इसको 360 हिस्सों में तकसीम, उसके 60 हिस्सों में तकसीम करें। एक डिग्री को आपने 60 हिस्सों में तकसीम करना तो वो एक मिनट के लायक है जी। एक मिनट को हम एक के ऊपर यू डाल देंगे जी, और ये 60 मिनट्स के बराबर होगा। एक डिग्री को हमने 60 हिस्सों में तकसीम किया तो भैया वो एक मिनट बन गया जी। यानी कि एक डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं जी। यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। भाई 60th पार्ट ऑफ ए डिग्री इज कॉल्ड ए मिनट आर 1 मिनट। 1 डिग्री बराबर होगा 60 मिनट्स, एंड 1 डिग्री को हम इस तरह 60 मिनट्स में लिख सकते हैं। भजन 60th पार्ट ऑफ ए मिनट, 60th पार्ट ऑफ ए मिनट इज कॉल्ड ए सेकेंड या 1 सेकेंड। यानी कि 1 मिनट किसके बराबर होगा? 60 सेकेंड्स के। तो 1 मिनट बराबर होगा 60 के ऊपर डबल बार, डबल ये जो लाइन होगी ये सेकेंड्स को रिप्रेजेंट करती है जी। भजन देखिए, हमारे पास सर्कल है, इसकी बाउंड्री को 360 हिस्सों में तकसीम किया, तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो गैप होगा उसको बोलेंगे 1 डिग्री। नो हमारे पास 1 डिग्री है, इसको भजन हमने 60 हिस्सों में तकसीम किया। कितने हिस्सों में? तो भाई दो पॉइंट्स को आप जब सेंटर के साथ मिलाएंगे तो ये जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे 1 मिनट। भजन इसको बोलेंगे 1 मिनट। नो वी हैव वन मिनट ए बी, इसको फिर 60 हिस्सों में तकसीम करें जी। तो भाई आपने कोई दो पॉइंट सी और डी ले लिए, इनको सेंटर के साथ मिलाएं, तो ये जो एंगल बनेगा इसको एक सेकंड
शो करेंगे, इसके ऊपर डबल ये इस तरह लगाएंगे, डिग्री के लिए ऊपर दायरा सा, मिनट के लिए ऊपर एक आपने लाइन डाल दी और सेकंड्स के लिए आपने डबल लाइन डाल दी है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर साजिद यासीन, गवर्नमेंट शालीमार कॉलेज बाग बहानपुरा लाहौर, इंटर बीएससी और बीएस ऑनर्स मैथ के नोट्स के लिए रब्ता करें साबर भाई जन से। ये भाई जन का फ़ोन नंबर है और ये भाई जन का एड्रेस है जी।